नमस्कार दोस्तों, ये है हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 का ब्लैक एंड एसेंट वेरिएंट। इसको स्पेशल एडिशन भी बोलते हैं, जो कि प्योर ब्लैक कलर में दी गई है। आज इस वीडियो में बात करेंगे इसके प्राइस, फीचर्स और माइलेज के बारे में, और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, जैसा कि हीरो ने स्प्लेंडर प्लस को फुली ब्लैक स्पेशल एडिशन में लॉन्च किया है, जो अब तक का सबसे बेस्ट कलर है और इस बाइक को ज़बरदस्त लुक देता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पर इसका वाइजर फुली ब्लैक कलर का दिया गया है, जो कि ग्लॉसी फिनिश में है, जिसके ऊपर हीरो स्प्लेंडर प्लस का स्टिकर देखने को मिल जाता है। और इसके साइड में आपको कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलते हैं, और इसके साइड में आपको फ्लेक्सिबल टाइप के नॉर्मल बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। और इसकी हैलोजन हेडलैम्प में आपको जो है 35 वाट का बल्ब देखने को मिल जाता है। और इसका फ्रंट वाला मडगार्ड भी आपको फुली ब्लैक कलर का दिया गया है ग्लॉसी फिनिश में। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है IBS का लोगो मिल जाता है, और साइड में आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। और इसके टायर के साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 80/118 का टायर साइज मिल जाता है, जो कि C8 कंपनी के ट्यूलेस टायर इसमें आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, आगे और पीछे की दोनों ब्रेक इसकी एक साथ काम करती हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि एक बड़ा बदलाव है। और इसमें आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बदलाव की बात करें तो आप इसको साइड की प्रोफाइल की तरफ से देखोगे तो यहाँ पर आपको फुली ब्लैक कलर का सब कुछ देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको थोड़े से क्रोम के पार्ट भी मिल जाएंगे देखने को। और यहाँ पर आपको जो है इंजन, बॉडी पार्ट और अलॉय व्हील सब कुछ ब्लैक कलर का दिया गया है। और इसके फ्यूल टैंक पर आपको हीरो का स्टिकर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं। आप एक्स्ट्रा पैसे देकर इसमें ग्राफिक्स भी लगवा सकते हो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसका जो ओवरऑल ब्लैक कलर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके बैटरी पैनल पर भी यहाँ पर आपको जो है स्प्लेंडर प्लस का 3D में लोगो मिल जाता है, और यहाँ पर आपको i3S का लोगो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और इसके टेल लैंप के काउल के ऊपर भी यहाँ पर आपको ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलते हैं। और इसकी जो सीट है वो काफ़ी स्मूथ दी गई है, इसकी जो कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट है, प्लेन और राइडर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी गई है। और इसके पीछे वाले टायर के साइज़ की बात करें तो यहाँ भी आपको 80/118 का टायर साइज मिल जाता है। इसमें आपको C8 कंपनी के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, और जो कि ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स पीछे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं, और इसके जो टायर की ग्रिप कुछ इस टाइप से दी गई है। और इसके पीछे आपको जो है 130mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है। अब दोस्तों, इसके पीछे की तरफ से देखें तो यहाँ पर भी आपको जो है कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर दिया गया है एक मेटल का क्रोम फिनिश के साथ एक बड़ा सा कैरियर, और इसके नीचे की साइड में आपको हीरो का स्टिकर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको टेल लैंप मिल जाती है नॉर्मल बल्ब के साथ, और इसके दोनों साइड में आपको नॉर्मल बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है इसके मडगार्ड के ऊपर। अब चलते हैं दोस्तों इसके दूसरी साइड में, तो यहाँ से आप इसके लुक को देख सकते हो। इसके पीछे वाली जो टेल काउल है उसके ऊपर भी आपको ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको एक साडी गार्ड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं। और इसका जो चैनसेट कवर है वो भी आपको जो है फुली मैट ब्लैक फिनिश में दिया गया है, जो कि मेटल का है, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक साइड स्टैंड और मेन स्टैंड देखने को मिल जाते हैं, और इसके साइड स्टैंड के ऊपर आपको एक सेंसर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में आपको मिल जाती है। और इसके साइड में भी यहाँ भी आपको स्प्लेंडर प्लस का 3D में लोगो और i3S की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और इसके फ्यूल टैंक के ऊपर आपको जो है हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको ग्राफिक्स की पट्टियाँ देखने को नहीं मिलती हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें आपको जो है 9.8 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है। अब इसके मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको एनालॉग टाइप का मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको स्पीड देखने को मिल जाती है, इकोनॉमी जोन, और यहाँ पर आपको जो है साइड स्टैंड इंडिकेशन लाइट, यहाँ पर आपको i3S की इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको न्यूट्रल लाइट, और यहाँ पर आपको जो है इंजन माल फंक्शन लाइट, यहाँ पर आपको मेन हेडलाइट इंडिकेशन लाइट, और यहाँ पर आपको पेट्रोल के लिए सेपरेट मीटर मिलता है। यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल लाइट देखने को मिल जाती हैं, और यहाँ पर आपको क्रोम की हैंडल बार रॉड देखने को मिलती है, और इसके साइड के मिरर आपको जो है वही पुराने वाले मिल जाते हैं। और इसके स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको पासिंग स्विच नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच, इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच मिलता है। और इसके दूसरी साइड में चलें तो यहाँ पर आपको जो है i3S का स्विच मिल जाता है, जैसा कि ये i3S सिस्टम वाली बाइक है, और यहाँ पर आपको सेल्फ का स्विच देखने को मिल जाता है दोस्तों। अब चलते हैं इसके नीचे की साइड में, तो इसके इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, वही पुराना वाला इसमें इंजन दिया गया है। यहाँ पर आपको पावर स्टार्ट और प्रोग्रामेड FI की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जैसा कि इस बाइक में
फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है। अब इसके इंजन और पावर की बात करें तो इसमें आपको 97.2 सीसी का एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओएससी BS6 FI का इंजन मिलता है। इसकी मैक्सिमम पावर है 8.02 PS की 8000 RPM पर। इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 Nm का 6000 RPM पर। इसका कर्व वेट है 112 kg। दोस्तों इसके पेट्रोल टैंक में आपको 2 से 3 लीटर पेट्रोल रिजर्व करके रखना पड़ेगा क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी वाली बाइक है। और इसके टूल बॉक्स पे आपको जो है पावर स्टार्ट और प्रोग्रामेड FI की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और इसका जो इंजन का कलर है वो डार्क ग्रे और ब्लैक कलर का दिया गया है। और इसके इंजन के हेड के ऊपर आपको जो है एक स्पार्क प्लग और ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है एक कैटेलिटी कन्वर्टर देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर एक मेटल की प्लेट लगाई गई है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको सेल्फ की मोटर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको एक ब्रेक पैड मिल जाता है जो कि सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिया गया है जिससे आपके जूते चप्पल ना जलें। अब आप इसके एग्जॉस्ट की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको एक लंबी सी क्रोम की प्लेट देखने को मिल जाती है। और इसका जो एग्जॉस्ट है वो शार्प टाइप का दिया गया है और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इसका लुक, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसमें आपको जो है कॉम्बी ब्रेकिंग का सिस्टम दिया गया है, दोनों आगे और पीछे की ब्रेक एक साथ काम करती हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अब दोस्तों इसका मैं आपको इंजन का और इसके एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ। तो अब मैं इस बाइक को सेल्फ दबाकर स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो डाउन हो चुकी है, तो मैं इस बाइक को जो है किक स्टार्ट से स्टार्ट कर देता हूँ। तो बाइक स्टार्ट हो चुकी है, तो अब दोस्तों आप इसके इंजन का साउंड सुन सकते हो। यहाँ से आपको इसके इंजन का साउंड कैसा लगा, अब दोस्तों मैं आपको जो है इसके एग्जॉस्ट का साउंड भी सुना देता हूँ। तो यहाँ से आप इसके एग्जॉस्ट का साउंड भी सुन सकते हो। आपको कैसा लगा इसके इंजन का और एग्जॉस्ट का साउंड, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों इसका जो इंजन है वो काफ़ी रिफाइंड इंजन है हीरो स्प्लेंडर प्लस का, जो कि एक बहुत लंबे समय तक चलता है। इसके माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 70 से 75 किलोमीटर पर लीटर का आसानी से माइलेज मिल जाएगा अगर आप इसको 50 से 60 की स्पीड पर चलाते हैं तो। अब दोस्तों बात करें इसके ऑन रोड प्राइस की, तो ब्लैक एंड एसेंट वेरियंट है ये। इसका ऑन रोड प्राइस है 83,050 रुपये, 83,050 रुपीज़ ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताया है साइनोश्योर हीरो मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम का। शोरूम की सारी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मेरे को कमेंट कर देना आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस हीरो स्प्लेंडर प्लस का, मैं बता दूंगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को। मैं ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।